वडोदरानी एमएस यूनिवर्सिटी फरी विवाद में आवी छे। एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़तो वीडियो सामे आव्यो हतो। तो वडोदरानी एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़वानो वीडियो सामे आव्यो हतो तो साइंस फेकल्टी डीन द्वारा परिपत्र जारी करवामां आव्यो छे। तो फेकल्टी में कोईपण जातनी धार्मिक प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगावामां आव्यो। फेकल्टी में कोईपण जातनी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगावामां आव्यो तो युवतीना वीडियो वायरल थया बाद तंत्र एक्शन में आवी धार्मिक प्रवृत्ति पर प्रतिबंध करतो परिपत्र एमएस यूनिवर्सिटी डीने जाहिर कर्यो छे। तो वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी नमाज पढ़वानो मामलो सामे आव्यो हतो। तो यूनिवर्सिटी डीन द्वारा एक परिपत्र जारी करवामां आव्यो। साइंस फेकल्टी डीन द्वारा परिपत्र जारी करवामां आव्यो छे। तो फेकल्टी में कोईपण जातनी धार्मिक प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगावामां आव्यो। तो परिपत्र में कहेवामां आव्यु छे के फेकल्टी कोईपण जातनी धार्मिक प्रवृत्ति करी शकशे नहीं। तो युवतीना वीडियो बाद तंत्र सशक्त बन्यु हतुं। तो धार्मिक प्रवृत्ति पर प्रतिबंध करतो परिपत्र जाहिर करवामां आव्यो। धार्मिक ने लगती एक नमाज एक कई छोकरी बॉटनी विभाग में कई नमाज पढ़ी हती ए जाणवा मळ्युं। ते द्वारा अमारा साहेब एक गई काले दरेक डिपार्टमेंट ने एक परिपत्र मोकली आप्यो छे अने कोईपण धार्मिक प्रवृत्ति करी शकाशे नहीं। अत्यारे सिक्योरिटी दरेक डिपार्टमेंट में मौजूद छे अने जे पण घटना दरेक कोईपण फेकल्टी में आवी घटना न थाय तो कोई सर्क्युलर के कोई यूनिवर्सिटी सत्ताधीशों द्वारा कोई निर्णय लेवामां आवे तो सौथी सारुं छे। अने आ जे घटना बनी छे तेनी तपास चालू छे। बीजी तरफ जो वात करवामां आवे तो कोण युवती हती जे नमाज अदा कर रही हती तेनी कोई तपास करवामां आवी छे अत्यार? ए तपास साहेब ए कोण हतुं ते अत्यारे तपास चाली ज रही छे साहेब। एक कमिटी बनाईने कई तपास करी रह्या छे साहेब। શું કહેશો કારણ કે તમામ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ પર પ્રતિબંધ કરતો આ પરિપત્ર છે સાહેબ? કોઈ આવી વસ્તુ કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ના થાય તો સારું કે કોઈને કોઈ ધાર્મિકને લગતું કોઈને એ ના થવું જોઈએ કોઈ કોઈ પણ આ એક શૈક્ષણિક ગામ છે બરાબર છે ત્યાં દરેક વર્ગના ધાર્મિક લોકો આવતા હોય છે અહીંયા આ એક ભણવાનું સ્થાન છે આવી પ્રવૃત્તિ ના થાય તો કંઈક એના માટે એક અમારા સાહેબે પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં અમે સર્ક્યુલર કરેલો છે અને અત્યારે જે કંઈ પણ ઘટના બની છે એની તપાસ ચાલુ છે સીસીટીવી કેમેરામાં પણ જોઈ રહ્યા છીએ